नीलू, माँ को कुछ रूटीन चेकअप करवाना है तो वो अगले सप्ताह शहर आ रही हैं। तुम जरा उनका कमरा ठीक कर देना, अंकित ने रसोई में आते हुए कहा। तो नीलू बोली, अच्छा ठीक है, तुम जरा कंबल और रजाई निकाल देना, ठंडी का मौसम है तो मम्मी जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंकित ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं रविवार को सारा काम कर दूंगा, तुम बस मेरी थोड़ी मदद करवा देना। नीलू ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिला दिया। तभी 4 वर्षीय पीहू अपना खिलौना लेकर रसोई में आई और कहने लगी, मम्मा मेरा ये खिलौना टूट गया। तो अंकित ने उसे गोद में उठा लिया और बड़े ही प्यार से बोला, कोई बात नहीं बेटा, हम किसी दूसरे खिलौने से खेल लेते हैं, मम्मा खाना बना रही है ना, चलो हम मम्मा को परेशान नहीं करते हैं। पीहू पापा की गोद में चढ़ते ही खुश हो गई और टूटा हुआ खिलौना उसने अंकित को दे दिया। अंकित प्यार से पीहू से बातें करते हुए हॉल में आ गया और उसके साथ खेलने के लिए बैठ गया। तब तक नीलू ने खाना तैयार कर लिया। आजकल नीलू को थोड़ा हल्का हल्का सा महसूस होता था, वरना पीहू के जन्म के बाद से तो जैसे उसे खुद के लिए समय मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया था। अंकित और नीलू घर में अकेले ही थे तो बच्चे की सारी जिम्मेदारी एक तरह से नीलू पर ही आ गई थी, क्योंकि अंकित तो सुबह सवेरे ऑफिस के लिए निकल जाता था और उसने नीलू के डिलीवरी के समय कुछ ज्यादा ही छुट्टियां ले ली थी तो उसे अब और ओवर टाइम भी करना पड़ रहा था। ऐसे में नीलू नन्हे से बच्चे को अकेले ही संभाल संभाल कर बहुत परेशान हो जाती थी। हालांकि उसकी डिलीवरी के समय उसकी सास 1 महीने के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद से नीलू बच्चे की परवरिश में जैसे खुद को ही भुला बैठी थी। बच्चे के साथ उसे जरा भी समय नहीं मिल पाता था। शुरुआत के 4 महीने तो उसकी बेटी रात में सोती ही नहीं थी, जिसके कारण रात भर उसे बेटी के साथ जागना पड़ता था। ऊपर से बीच बीच में वह सुसु पोटी कर देती थी तो उसे बिस्तर से भी उतरना पड़ता था। अब अंकित तो दिन भर ऑफिस में काम करके थक जाता था तो वह उसे रात में परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह भी तो दिन भर बच्ची को संभाल कर परेशान हो जाती थी। उसकी बेटी दिन में 3-4 घंटे सोती थी, उतनी देर में नीलू की नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाती थी। ऊपर से सुबह उठकर उसे खाना वगैरह भी बनाना पड़ जाता था। हालांकि अंकित जब तक घर में रहता था उसकी मदद कर देता था, लेकिन दिन भर बच्चे को अकेले संभालना भी कोई आसान काम नहीं होता था। कभी कभी तो नीलू असहाय होकर रोने ही लग जाती थी, क्योंकि उसकी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही थी। वह तो अच्छा हुआ कि 4 महीने के बाद उसकी बेटी रात में सोने लगी, तब जाकर नीलू की जिंदगी थोड़ी लाइन पर आने लगी। लेकिन फिर भी अकेले दिन भर घर के काम करने के साथ साथ बच्चे को संभालते संभालते वो बहुत थक जाती थी। अब तो उसे शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक थकान भी होने लगी थी। लेकिन फिर भी उसे पता था कि कुछ समय के बाद जब उसकी बेटी बड़ी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए वह धैर्य से अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते 2 साल बीत चुके थे। जब उसकी बेटी 2 साल की हो गई तब उसे थोड़ा आराम मिलने लगा था। उसकी बेटी बहुत कुछ सीख चुकी थी, वह बहुत सारी बातें करती थी, अपनी माँ के साथ ढेर सारा समय व्यतीत करती थी। नीलू को भी अपनी बेटी के साथ की आदत हो गई थी, वो हर वक्त उसे कुछ न कुछ नया सिखाती रहती थी। फिर धीरे धीरे उसने उसे घर पर पढ़ाना लिखाना भी शुरू कर दिया। एक बच्चे की अगर सही ढंग से परवरिश करने की कोशिश की जाए तो यह भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन कुछ लोग तो बस बच्चे पैदा कर देते हैं और वक्त के साथ बच्चे अपने आप बड़े हो जाते हैं, लेकिन ना तो उनमें उचित संस्कार होते हैं और ना ही कोई गुण। इसलिए यदि अपने बच्चे को जीवन में आगे बढ़ाना है तो उनकी परवरिश बहुत ध्यान से करनी चाहिए। और नीलू भी बहुत ध्यान से अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी। शुरुआत में तो उसने बेटी की परवरिश करने के लिए खुद पर भी ध्यान देना बंद कर दिया था, लेकिन जब उसकी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई तो वह अपने लिए भी थोड़ा समय निकालने लगी थी। कभी कभी वह वॉक करने चली जाती थी तो कभी योगा वगैरह भी कर लिया करती थी, जिसके कारण उसका बढ़ा हुआ वजन भी अब काफी कम हो चुका था। अंकित भी उसे देखकर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। उसके बाद पीहू थोड़ी और बड़ी हुई और जब वह प्ले स्कूल जाने लगी तब नीलू को पहले की तरह अपने लिए थोड़ा समय और मिलने लगा। जब घर पर अकेली होती थी तो अपनी पसंद का म्यूजिक सुनती थी, कोई मूवी देख लेती थी, कभी बाजार चली जाती थी तो कभी अपनी सहेलियों से मिल लेती थी। आज पीहू 4 साल की हो चुकी थी और जब वह स्कूल चली जाती थी तो नीलू भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती थी। अब नीलू को लगने लगा था जैसे उसकी खोई हुई खुद की जिंदगी फिर से उसे वापस मिल गई है। बेटी की परवरिश भी सही ढंग से हो रही थी और घर में 4 पैसे भी आ रहे थे। निश्चित दिन पर उसकी सास सुमित्रा जी घर आ गई। घर आने के बाद उन्होंने 2 सप्ताह तक गौर से बहू की दिनचर्या को देखा। उनका रूटीन चेकअप भी हो चुका था और 4 दिनों के बाद वो वापस भी जाने वाली थी। एक दिन उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू अब तुम्हें दूसरे बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि पीहू अब काफी बड़ी हो गई है और स्कूल भी जाने लगी है तो तुम्हारे पास काफी सारा खाली समय बच जाता है। इधर उधर काम करने से तो अच्छा है कि एक और बच्चा ही पाल लो। नीलू धीरे से बोली, मम्मी जी एक बच्चे को ही पालने में मुझे समझ में आ गया कि अकेले बच्चे पालना कितना कठिन होता है, मेरा साथ देने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए मैं दूसरे बच्चे के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ।
अब जब पीहू स्कूल जाने लगी है तब जाकर तो मुझे थोड़ा सा अपने लिए समय मिल रहा है। ऐसे में मैं दोबारा एक नई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। उसकी सास उसे ताना मारते हुए कहने लगी, मैं खूब अच्छे से जानती हूँ बहू, आजकल तुम अपना फिगर मेंटेन करने पर भी बहुत ध्यान दे रही हो। बहू, तुम फिगर खराब होने के डर से प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती ना? अरे तुम्हें तो दूसरे बच्चे में ही परेशानी होने लगी। मुझे देखो, मैंने तो 5-5 बच्चों को जन्म दिया है। बहू, घर में रुपए नहीं थे फिर भी हमने बच्चों की लाइन लगा दी। तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम इनकार कर रही हो? फिर बहू ने कहा, मम्मी जी, बच्चे की लाइन लगाने वाली बात इसमें कहां से आ गई? बच्चा मुझे भी चाहिए था। अब मेरी एक बेटी हो गई है और मुझे दूसरे बच्चे को पालने का सामर्थ्य महसूस नहीं हो पाता है। ना तो मेरा शरीर इस बात के लिए तैयार है और ना ही मैं मानसिक रूप से इस चीज के लिए तैयार हूँ, तो फिर मैं दूसरे बच्चे के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? अभी कितनी मुश्किल से मैंने पीहू को पाल पोस कर थोड़ा बड़ा किया है और आगे भी उसके लिए बहुत कुछ करना है। वह स्कूल जाने लगी है तो अब मुझे भी थोड़ा आराम मिलने लगा है। ऐसे में मैं फिर से नई जिम्मेदारी उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अकेले बच्चे पालने में बड़ी दिक्कत होती है। आपने अपने समय पर संयुक्त परिवार में रहकर बच्चों की परवरिश की थी। घर में बच्चों को संभालने के लिए और भी लोग थे, लेकिन यहाँ पर तो मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। आपको भी मैंने कितनी बार कहा कि गांव से कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाइए, लेकिन आप भी मेरी बात कहाँ सुनती हैं? अब बुढ़ापे में तो जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तब तो आप हमारे साथ रहने के लिए आ जाएंगी और मैं आपकी सेवा भी करूँगी, लेकिन जब मुझे जरूरत थी तब आप क्यों नहीं आई? सुमित्रा जी गुस्सा हो गई और कहने लगी, तुम अपने बच्चे मेरे भरोसे पैदा करोगी क्या? तभी अंकित भीतर से आया और कहने लगा, माँ, हम अपने बच्चे किसी के भरोसे पैदा नहीं करते हैं, इसीलिए हमने बहुत सोच समझ कर बच्चा पैदा करने का निर्णय लिया था। अब हमारी एक बेटी हमारे लिए काफी है। हम किसी से उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि कोई आकर हमारी मदद करे, तो फिर कोई हमसे फरमाइश भी ना करे, वही अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी गुस्से में कहने लगी, देख बेटा, तू बहू की बातों में मत आ, वक्त गुजर जाएगा तो फिर तुझे भी दिक्कत होगी। दो बच्चे रहेंगे तो आगे तेरे लिए ही अच्छा होगा। मान लो बुढ़ापे में बेटी तुम लोगों की देखभाल नहीं करेगी तो दूसरा बच्चा जो भी हो वो हो सकता है तुम्हारी देखभाल कर ले। अंकित मुस्कुराते हुए बोला, माँ क्या मजाक कर रही हो? मान लो कि दूसरा बच्चा भी मेरी देखभाल ना करे, तब आप क्या कहोगी कि तुमने तीसरा बच्चा क्यों नहीं पैदा किया? इतने सारे बच्चों की लाइन लगाने की जरूरत नहीं है माँ। इससे अच्छा कि हम एक बच्चे की परवरिश कर लेते हैं और बाकी अपने भविष्य के लिए थोड़ी बचत कर लेंगे। आगे चलकर हमें कौन देखेगा ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल जब तक बात हमारे कंधों पर है तो हम अनावश्यक बोझ उठाकर अपनी परेशानियां और नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ बच्चा पैदा करने से कुछ नहीं होता है, बच्चों की परवरिश एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसे निभाने के लिए आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। और अगर हम ऐसा करने में खुद को समर्थ नहीं पाते हैं तो फिर हमें हमारा फैसला लेने दो। आप यहाँ कुछ दिन के लिए रहने आई हो, घूम फिर कर वापस चली जाओगी। हमें हमारी गृहस्थी कैसे संभालनी है ये हम पर छोड़ दो। इतना कहकर वो बाहर चला गया और उनकी बहू भी अपना काम निपटाने के लिए चली गई। सुमित्रा जी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन आज नीलू को बहुत हल्का महसूस हो रहा था कि उसके पति ने उसके लिए आवाज उठाई थी, वरना उसकी सास तो जब मौका मिलता था तब उस पर दूसरे बच्चे का दबाव डालने लगती थी। दोस्तों, दो बच्चे होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो माता पिता आर्थिक और मानसिक रूप से इस चीज के लिए तैयार ना हो उन पर कभी भी बच्चे के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बच्चे की परवरिश माता पिता को करनी होती है और वह इस बात के लिए तैयार हैं या नहीं यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके बताइएगा और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।